दोस्तों हम जानेंगे आज हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस का सम्मान करने के लिए इस एक दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। महात्मा गांधी जी ने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने की बात कही थी। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। उनके अलावा कई साहित्यकारों ने भी हिंदी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना मिल पाया। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया। इस दिन देश के लिए पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आधिकारिक तौर पर पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। दोस्तों अब हम जानेंगे हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को इस बात से रूबरू कराना है कि जब वे पूरी तरह हिंदी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी का विकास नहीं हो सकता। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी बोलने का प्रयोग की सलाह दी गई है। इसके अलावा हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है। इस हफ्ते में अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। यह आयोजन विद्यालय, कार्यालय आदि सभी जगह होते हैं। इसका उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना होता है। ये कैसे मनाया जाता है हिंदी दिवस? हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो जन जन में हिंदी भाषा का प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान देते हैं। इसलिए यह सम्मान लाखों रुपए के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। और यह थी सारी बातें हिंदी दिवस के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या होते हैं हिंदी दिवस पर।